लैपटॉप स्कीम में कोई करप्शन नहीं हुई, असेंबली में दिया गया बयान हुकूमत के गले पड़ गया। दो रोज पहले 12 मार्च को पंजाब असेंबली में तहरीरी जवाब जमा करवाया। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम में करप्शन नहीं की, कोई भी फर्द बदउनवानी में मुलविस नहीं पाया गया। सबसे कम बोली वाली फर्म से लैपटॉप खरीदे गए, लैपटॉप गायब होने की खबर भी बेबुनियाद है। महकमे हायर एजुकेशन की रिपोर्ट का मतन। शहबाज हुकूमत की मसलसल दूसरे रोज असेंबली जमा कराई रिपोर्ट की तरदीद। बुध को वजीर हायर एजुकेशन की असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तरदीद। आज तर्जुमान वजीर आला और राज यासिर हुमायूं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शहबाज शरीफ को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई, करप्शन का पता लगाना नैब का काम है, हमने महकमाना रिपोर्ट जमा कराई। करप्शन सामने नहीं छुपकर की जाती है, लैपटॉप स्कीम के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी ने दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, हाई कोर्ट ने हकाई के बरअक्स दरख्वास्त जमानत मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे, नैब की दरख्वास्त में सदा। कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन, नवाज शरीफ अहले खाना के अलावा किसी से आज भी मुलाकात नहीं करेंगे। कोर्ट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों की कुरान खानी, नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ। नवाज बिलावल मुलाकात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम भी मुतहरिक, मौलाना फजलुर रहमान की कल नवाज शरीफ से मुलाकात मतवक्के। पंजाब में रेंजर्स की तायुनाती में 2 माह की तौसी, अमन व अमान के कयाम के लिए रेंजर्स तायुनाती में दोबारा तौसी की गई। महकमे दाखिला पंजाब ने मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया। एफबीआर के छापों से तंग ताजिरान का ऐलान जंग, एहतजाजन ब्रांडस रोड पर कारोबार मुकम्मल बंद। रहमान गलियां दिल मोहम्मद रोड से मुल्हिका तमाम दुकानों को भी ताले लगा दिए गए। ताजिद लगरा चौक पर स्टेज और कुर्सियां लगाकर बैठ गए। शहरी मुजरे सेहत गोश्त खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की बकर मंडी के इलाके में बड़ी कार्रवाई, 4300 किलो बीमार जानवरों का गोश्त, 8000 किलो जानवरों की बाकियात बरामद कर ली गई। 3 गैर कानूनी स्लॉटर हाउस भी सील कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि बीमार जानवर के गोश्त से मूजी बीमारियां फैलती हैं। शहरियों को सेहत बख्श गोश्त की फराहमी हमारी तरजीह है। मिलावट माफिया बाज आ जाए वगरना पंजाब छोड़ दे, मिलावट के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द मिलावट माफिया पर काबू पालेंगे, हमारे लीडर इमरान खान और वजीर आला की नीयत साफ है। काश्तकारों को उनका पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा, वजीर खुराक समीउल्ला चौधरी की प्रोग्राम जागो लाहौर में गुफ्तगु। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। करतारपुर राहदारी मुजाकरात के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द भारत के लिए रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं अम्न और मोहब्बत का पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला किया, ये मंसूबा नवंबर 2019 में पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। महकमा कस्टम की शाहदरा के करीब बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालती स्मगल शुदा कपड़ा पकड़ लिया। कपड़े से लदे 2 ट्रक तहवील में ले लिए, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। सगिया रावलपुर मुरम्मती काम के 22 हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। हैवी ट्रैफिक का शाहदरा चौक और बाबू साबू से दाखिल और अखराज हो सकेगा। शहर में आउट और इन होने के लिए ट्रैफिक को 2-वे चलाया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वार्डन की इजाफी नफरी भी तैनात। शहरी मजीद रहनुमाई के लिए रास्ता ऐप इस्तेमाल करें, सीटीओ लाहौर की हदायत। और गुर्दों को ठीक रखने के लिए पानी ज्यादा पिएं, तिबी माहिरीन का मशवरा। गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से मियो अस्पताल में वॉक का एहतमाम किया गया।
शोभा अमराज़े गुर्दा और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स, नर्सिस और बच्चों की शिरकत। शुरुका को मोजी मर्ज से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी बताई गई।